आज हमारा नाश्ता है पोया, वो है मेवाड़ी स्टाइल में, और भेरू जो है पोया बना रहा है हमारे लिए। सिंग नफा नहीं भैया, वो डाल ही दिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बने तो डाल दिए तो। और दोस्तों ये हमारा जो पूरा मिर्ची का बॉक्स है जिसमें सारे आइटम्स आ चुके हैं इसके अंदर। और हमारे मारवाड़ी स्टाइल क्या है कि कोई टेस्ट जो है कैसे भी बनाएगा लेकिन टेस्ट आएगा, और ये जो पोहे हम खाएंगे दबा के, और भेरू जो है इसके हाथों का जो खाना है बहुत टेस्टी है, तो इसके हाथों को मैं छूना चाहता हूँ। तो हमारे पोहे आ चुके हैं और एक एक प्लेट क्रेमदर, ये प्लेट जो है 30 रुपये की, लेकिन हमारे नाश्ते में ही ये बनी, जो सर पैसे देने पड़ेंगे कपिल भाई और मैं। तो पोहे कैसे लगते हैं देखते कपिल भाई, मजा आ गया। बस नींबू की और कमी थोड़ी सी। ये हमारे मेवाड़ी देसी स्टाइल में पोहे बने हुए हैं और चम्मच से हम नहीं खाते हैं। तो चम्मच से क्यों खा रहे हैं? हाथ खराब हो जाते हैं। हाथ से खा, अच्छा नहीं लगता। हाथ से खान तो भाई, तू मेरी बात सुन, हाथ से खान भाई, खा ले प्लीज, तुझे मेरी भी कसम है, एक बार खा ले। ये बोलते तो ये बोलते हैं मर मारवाड़ी का प्यार, ये दे लो, ये बात रखते हैं हमारी, मैं भी खा रहा हूँ। तो बस इतना ही, फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं बरवाड़ा कुंभलगढ़ कटार की नदी, और उसके पास में ये होटल है, और हमारा ये जो डॉगी है बहुत खूबसूरत है और इसको हम प्यार भी करते हैं। कौन? पीवी रेस्टोरेंट। पीवी की फुल फॉर्म क्या है? पलक विहार, मतलब यहाँ का एक एरिया का नाम रख दिया इन्होंने, मतलब खुला खुला, और सामने की तरफ नदी भी चल रही है। और ये देखो ये कितना शांत है, सबसे प्यारा सा है, अच्छा लग रहा है हमें। हम भी जा रहे हैं कुंभलगढ़ की साइड और हमारा शूट है उधर आज। तो ये कैसा देखो, ये इसमें खाना वाना क्या खिलाते इसको, मतलब नॉन वेज नहीं खिलाते ना? नहीं, बिल्कुल पक्का। वैसे आप ब्राह्मण होने, रोटी खिलाते हैं, बाकी ऐसे कोई नहीं, मांस मांस का इसको खिलाते हैं। तो ये हमारे इधर का एक सबसे एक अच्छी बात है। तो चल चल कपिल, अपन लेके आवे सर। दोस्तों आप कमेंट करो यार, हम भी एक ऐसा लेके आवे और साथ में रखे हमारे कार के अंदर, यही घूमेगा, ये भी मस्ती लेगा। ठीक है चलते हैं बाहर की तरफ, कर दे बात। दोस्तों हम चल रहे हैं कुंभलगढ़ की रोड पर और हम पहुंचे हैं ओड़ा विलेज, जो घाटी है खतरनाक। और कपिल भाई आज ड्राइव कर रहे हैं बलेनो की, और इनको बलेनो की जो ड्राइव कह रहे हैं अच्छी लग रही है, और मैं हैं जो आज बैठा हूं। और दोस्तों जो कपिल है काफ़ी, मतलब इस नाम से, मतलब ड्राइवर के नाम से तो अच्छा चलाता है, वो नहीं है। और कपिल भाई और बाप रे, ये क्या दोस्तों, लापरवाही देखो दोस्तों, कितने लगे हो गए, वो निकल गया। चार बंदे बाइक पर बैठे जा रहे हैं, और इस रूट पर ये दिक्कत है दोस्तों, गाड़ी चलाते हैं तो समझ लो कुंभलगढ़, जैसे आप रणकपुर रोड पर और कुंभलगढ़ रोड पर जब भी आओगे तो साले इधर आदिवासी जो है लोग चार चार बैठकर और सामने की तरफ भी आएंगे मरने के लिए, और संभल कर अपनों को चलना पड़ेगा। दोस्तों गाड़ी चलाने के बाद ये ध्यान रखना कि कभी भी सिंगल पट्टी रोड हो जहाँ पर इन चीज़ों से बचे इन आदिवासी, क्योंकि ये गाड़ी चलाते अंधाधुंध आगे गाड़ी के ऊपर गिरेंगे और उल्टा यहाँ पर मोड़ करके और माथा फोड़ी करके अपने से पैसे लेंगे और रोड पर सो जाएंगे और कहेंगे कितना लाख रुपए दो। ये इनका क्या है कि इधर एक आदत है, ग्रुप ला रखा, तो इसलिए कभी भी अपने हिसाब से धीरे चलना है और संभल के चलना है। दोस्तों ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ दरअसल, और ये सच बात है इन रोडों पर। तो अब चलते हैं सामने की तरफ, और मैं दिखाऊंगा जो बंदा आएगा सामने की तरफ, देखना इतना स्पीड आएगा वो भी आपको हम बताएंगे। देखो वो इतना फुल स्पीड आ रहा है, नीचे भी नहीं उतरेगा गाड़ी रोड से, और इतनी स्पीड से आएगा। दोस्तों हम पहुंचे हैं गणावल, एक विलेज है, 100 घरों की बस्ती है, और यहाँ पर इनका तालाब है। तो यहाँ पर पूरा खूबसूरत का एक व्यू है, और ये गांव का आनंद है, और हरा भरा हो चुका है पूरा तरफ ये जो एरिया है। और हम चलते हैं जो भाई दिनेश भाई जो हमें कॉल करके बुलाया, क्योंकि गाड़ी देख कर ये बताया कि आप ही जा रहे हो, हमने बोला हाँ यस, तो भैया आके दिनेश भाई पाल पर रील्स बना रहे, तो चलते हैं इनसे मिलने के लिए। भाई व्यू देखना पूरा, और हमारी गाड़ी वहां खड़ी है आउट रास्ते पे। इधर
भाई यार, ये एनी टाइम इसी तालाब पर रील्स बनती है इनकी। और कपिल, ये कपिल तुम्हारे साथ में था लेकिन ये खास थोड़े रहते हैं तो इस हिसाब से दौड़ते, ये गया गले वाले मिल गया पहले से। मैं तो पीछे से आ रहा था क्योंकि गाड़ी वाड़ी टोक करके। अब यहाँ पर बस यहीं बैठता हूँ। कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया। आपने कैसे पहचाना हम निकल रहे? गाड़ी देख ली मैंने। अच्छा, क्या रिस्की टीम निकली? रिस्की टीम करके गया यार। मैं रिस्की टीम ही, वो लोगो देखा मैंने पीछे, वो है तो वही है गाड़ी। अच्छा, कॉल किया मैंने। तो यहाँ मतलब शाम को तो ही आपका मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए? हाँ, यहाँ ठीक है, हवा वगैरह आती है बढ़िया। तो हमारे व्लॉग के अंदर अभी ये इनका ही मेन किरदार, क्योंकि हम साथ में रहते हैं और हमारा अच्छा ग्रुप है। और हम जो आगे की तरफ कुछ ऐसी बातें फिर बातें आपसे बातें करेंगे, जब के लिए हम कैमरा बंद कर देते हैं, फिर हम भी पर्सनली बातें करते हैं। ओके भैया।